अभी आप कुछ भी गुजारिश नहीं करें, हमारे बाल बाल बिल्कुल पोजीशन हमारी खराब सही है ना, इज गोइंग टू वेजिंग, इसके बाद भारी कोई क्या, इसके बाद खाना वाना खा के मानी मानी जाए करे जाए। सुबह का टाइम है लेकिन जो मेरा स्कोर था वो सारा सो चुका है, तो हम थोड़ा गश्त पे जा रहे हैं और कुछ वीडियोस भी टिकटॉक इस भाई की बना लेंगे। सामने एक दूसरा भी फार्म हाउस है और यहाँ भी है, यानी चारों ओर यहाँ पर फार्म हाउस ही फार्म हाउस है। क्या कहने कौन आ रहा भाई, कैसा लग रहा है आपको ना के पाँच साल बाद में आया हो? पाँच साल के बाद में आया हो, बहुत अच्छा लग रहा है, जिस्म से हल्का फील हो रहा है। हाँ तो मैं इतना मेल निकल रहा अच्छा, अच्छा। पूरा मेल निकल अच्छा, पाँच साल पहले इंसानों में आके कैसा लगा है? पाँच साल बाद ना आए हो ना, यानी इंसानों में आए उसके बाद ना आए ना, पहले जंगली थे। इंसानों में आकर कैसा लगा? किसी ने कहा था टार्जर, मैं अभी तक इंसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ, खड़ा होगा तो फिर मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मजबूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। जहाँ हम लोग इस वक्त खड़े हैं ये है पूरा फार्म हाउस का टॉप का हिस्सा, नीचे वो पूल है जहाँ पे पूरी रात ये लोग सारे नहा रहे थे, मैं भी इंक्लूडिंग मी, मेरे अच्छे फोटोग्राफर हैं और ये टिकटॉकर मैं भी आप भी, और जिनके मोबाइल से मैं ये शूट कर रहा हूँ वो ये भी। कब से बोल रहे हो नाश्ता करो, नाश्ता है कहाँ? नाश्ता हम नीचे यहाँ सीढ़ी से उतरेंगे ना, वहीं करो। क्या है नाश्ते में? नाश्ते में अंडे वाला बर्गर, कीमा पराठा, अंडे वाला बर्गर तो बाहर। कुर्सियाँ हैं वहाँ रखी हुई हैं लेकिन हम लोग बैठेंगे ज़मीन पर क्योंकि इसको मुसलमान की तरीके से, हाँ हम लोग डाउन टू अर्थ हैं काफ़ी ज़्यादा। बेस्ट मोमेंट अब तक का चाय, चाय अच्छी लगती है इसकी, आपको नहीं पसंद? आप
आपको मजा आ रहा है, बहुत आ रहा है, स्पेस नहीं कर पा रहा। अरे ये तो इधर से जाते हैं उधर निकलते हैं घर आते। अरे बड़ा बड़ी एनर्जी है यार इस बंदे में, एक लम्हा भी नहीं सोया। हम तो जैसे अभी अभी उठे हैं। ये इस भाई ने पूरी 4 घंटे की नींद, 2 घंटे की नींद की है, 2 घंटे भाई 2 मिनट की भी नींद नहीं की है। ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ 2-3 फोटोग्राफ्स में इनके क्लिक करूँगा रिहान भाई के। अपने रिहान भाई इस चेयर पे बैठ जाओ, जाओ ना अभी। व्लॉग के लिए वीडियोस बनानी है, लेकिन ये सारे मुझे पकड़ पकड़ के बोलने के मेरी सेल्फी लो या मेरी वीडियो बनाओ। तो तकरीबन 2 घंटे से नहा रहे हैं समझ भाई ने, मतलब खाने की तैयारी करके उसके बाद रवान की। लेकिन ये क्या, हम लोग तो 5 बजे तक बैठने वाले थे जी, हमारा दिल है कि अभी नहाए फिर उसके बाद आराम जी। लेकिन उसकी बात हमें माननी पड़ेगी जी, हमारे टीम के बड़े तो माननी पड़ेगी बात। तो हो गया सीन, ये देखते हैं फिर खाने में क्या होगा। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या चल रहा है? खाने की रही है। खाने की, अच्छा बिरयानी आएगी, कौरमा आएगा, हल्का बना ले, कुर्सियों भी हल्का बना रहे हो, पाल पे नहीं बना रहे हो अभी, थोड़ा मॉडर्न कर दे, अभी थोड़ा मॉडर्न जाते हो। अभी 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 आप कुछ भी गुजारिश नहीं करें, हमारे बाल बाल बिल्कुल पोजीशन हमारी खराब, चलिए ना इन गोइंग टू वेजिंग, इसके बाद मारी को एक क्या क्या हम मना नहीं करते हैं, उसके बाद खाना वाना खा के मारी मारी कर करें जाए। खाना प्रोसेस में, अरे भाई बन ही गया, बस बन ही गया। किचन भी इनका कुछ बता रहे थे, क्या नाम है आपके किचन का? पटनी किचन मुसालेन कोसर मस्जिद वाली गली। कॉन्टेक्ट करना और कहाँ पर है, लियारी में एड्रेस बताओ। लियारी मुसालेन कोसर मस्जिद वाली गली, 4 नंबर गली। ठीक है भाई, खाना एकदम टाइम बनाया इन्होंने, खाने से हमें कोई भी मसला नहीं है। और कुछ इशू थे वो लाइटिंग के थे, और बाकी कुछ थे वो सॉकेट वगैरह नहीं मिल रहे थे चार्जिंग के लिए, बाकी इतना कोई भी नहीं है। हाँ अभी मैंने शॉर्ट इनका लिया था। कुछ सीन बताएं क्या हुआ अब तक, क्या किया हम लोगों ने? बाबा जाने का टाइम हो रहा है, अभी तक आपने आके खुल के अपनी वजाहत नहीं की। नींद कंप्लीट हुई इनका, अपनी नींद हुई इस वजह से थोड़ा, लेकिन यहाँ पे आए, एंजॉय किया, अच्छा लगा।
सब भाइयों में रह के काफ़ी अरसे के बाद, ये दिल की बात है, चीज़ों में कमी पेशी रही या थी कुछ भी वो शू नहीं है, लेकिन जिनके साथ रह के बड़ा अच्छा लगा काफ़ी, बल्कि सालों में कहीं एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने एक साथ। चेंज कर लिया, अभी जाने का टाइम। क्या कर रहे हो? चाय पी रहे। चाय पी लो, गरम है। Stop it. Get some help. नींद करेंगे घर जाके, नशीली नींद इसको बोलते हैं। व्लॉग एंड होने पे यानी प्रोग्राम ख़त्म होने पे लोग, लेकिन स्पेशल थैंक्स टू समद भाई जिन्होंने अकेले सिंगल एंड की थोड़ी हेल्प, आफ्ताब भाई ने भी की, ऑर्गेनाइज किया। आफ्ताब भाई ने करी है भाई, दोनों के मिलके सारी हेल्प, अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बस एक दो कुछ थे मरहले जिस जो हमें लगा कि यार ये किया, लेकिन वो भी सेटल हो गया, इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। थैंक्स टू यू। और किस तरीके से आपने मैनेज कर दिया कुछ बताएं यार, कि बहुत जद्दोजहद करी है भाई, बहुत जद्दोजहद। मैंने तो बहुत कोशिश करी कि बंदे खुश हो के जाएं। 27 से 30 बंदों को कैसे मैनेज, इतना हाँ भाई बहुत हार्ड था, फिर भी माशाल्लाह अपन ने हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही, हाँ जो हो सका अपन से अपन ने करा है। आप में मुझे एक छोटा से लीडर दिख रहा है, इंशाल्लाह आगे आने वाले वर्षों में मेरे बंदों ने भी कोऑपरेट करा है, आमीन। था वो एक मेरे ख्याल से वहम था हमारा, इनपुट कुछ नज़र नहीं आया, ना ही कोई एलियन वगैरह नज़र आया, और एक स्टोरी तो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। और दूसरी बात, इन लोगों ने बोला था कि व्लॉग ऐसा बनना चाहिए कि हम लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं ना थकी, यानी बस झकास। मुझे ये नहीं पता कि मैं वाकई ऐसा व्लॉग बना पाया हूँ या नहीं, ये तो आप लोग बताएंगे, लेकिन व्लॉग में बहुत सारी गलतियाँ हुई क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, जो भी था वो था, एट दी मोमेंट जो निकलना था वो निकला। व्लॉग वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में अगर ज़िंदा रहे तो, तब तक के लिए आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई, आपके लेवल के भाई, आपके दोस्त सिकंदर उमर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हम जाते हैं दांत साफ करने, ठीक है। Do it!